सो हे गाइस, कैसे हो तुम सब भी लोग। आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। हाँ तो गाइस, आज मेरे पास अपने अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट को लेकर भाई काफी सारी न्यू खतरनाक अपडेट है। जैसे कि गाइस, अपना पर्पल शेड जो बंडल है उसका कॉपी टू कॉपी गाइस हेयर स्टाइल का इवेंट कन्फर्म हो चुका है, जिसके रिगार्डिंग में आप सभी को बताने वाला हूँ। और गाइस, अपना पर्पल शेड बंडल कब आएगा इसकी मैं आप सभी को कन्फर्म अपडेट देने वाला हूँ। नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर कौन कौन सी इवो गन आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में गाइस, आप लोग बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे विश इवेंट के बारे में। एक गाइस ओल्ड काफी ज्यादा खतरनाक M1 एडिटसन की स्किन का इवेंट कंफर्म हुआ है, जिसके रिगार्डिंग में आज आपको बताने वाला हूँ। और बात करेंगे कि उस इवेंट स्पेशल मिलने वाले अपकमिंग फ्री रिवॉर्ड्स इवेंट के बारे में। रॉक FF बंडल अपने गेम के अंदर कब आएगा इसके रिगार्डिंग एक मस्त सी अपडेट दूंगा। फ्री फायर की एक खतरनाक मीम रहेगी, आपके सभी के कमेंट को पिक किया है। कुल मिला के गाइस, आज का ये वाला वीडियो भाई खतरनाक से लेके बूमास्टिक वगैरह रहने वाला है। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा OB43 अपडेट के अंदर गाइस पर्पल शेड बंडल जो है उसका हेयर स्टाइल का कॉपी टू कॉपी हेयर स्टाइल ऐड हुआ है। दरअसल गाइस, इस न्यू हेयर स्टाइल के साथ एक पूरा बंडल है, ठीक है। यू कह तो भाई ये एक पूरा बंडल ही है, बट गर्न ने इसके पार्ट को अलग अलग रखा है। हेयर स्टाइल के इवेंट को गाइस आप लोग देख सकते हो। जी हाँ गाइस, ये एक रिंग टाइप का इवेंट रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये हेयर स्टाइल दिखने को मिलेगा। हेयर स्टाइल के साथ गाइस आपको इसका एक टॉप मिल जाता है, जो कि आप लोग देखो गाइस, ठीक है भाई, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर किसके थीम पे है, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो आपके साथ गाइस यहाँ पे इसका पैंट मिल जाता है, जो कि आप लोग देखो गाइस, पैंट भाई ठीक ठाक है, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे गाइस एक मास्क है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 4 रिवॉर्ड्स अपने को देखने के मिल जाते हैं, जो कि भाई आने वाला है अपने रिंग इवेंट में। देखो गाइस, इन 4 रिवॉर्ड के अंदर पर सबसे ज्यादा खतरनाक रिवॉर्ड भाई अपना हेयर स्टाइल है, ठीक है। बाकी के रिवॉर्ड तो भाई फालतू के है। अगर गाइस बात करें कि ये इवेंट कब आएगा, तो अभी तो इस मंथ इसका कोई आने का चांस बन नहीं रहेगा। सो मार्च मंथ के आसपास में भी गरना इसका रिंग इवेंट अपने को दे देगा। वैसे गाइस, आजकल अपने गेम के अंदर लकर रोल भी काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि गरना इसे आपको लकर रोल के अंदर दे दे। अगर गाइस ये हेयर स्टाइल आपको निकालना है, तो भाई आप लोग कम से कम 2K डायमंड को सेव करके रखना, ठीक है, क्योंकि भाई आजकल तो हर इवेंट के अंदर 2K डायमंड तो लगे जाते हैं। तो कौन कौन इस हेयर स्टाइल को निकालने वाला है कमेंट के अंदर बताना, और ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा गाइस ये भी कमेंट के अंदर बता देना, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अभी जो गाइस मैंने आपको हेयर स्टाइल के साथ पैंट दिखा है, ठीक है गाइस, उसको नोटिस करना, ठीक है। पैंट के ऊपर ड्रैगन कुछ बना हुआ है, और OB43 अपडेट के अंदर गाइस एक न्यू ड्रैगन वाली ग्लू वॉल की स्किन भी है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख लो। तो यहाँ पे गाइस मे बी पॉसिबल है कि जो न्यू हेयर स्टाइल आ रहा है, ठीक है गाइस, उसके साथ में ही आपको ये वाली ग्लू की स्किन भी देखने को मिल जाए। अगर गाइस ये इसके थीम पे है, तो जब अपने गेम के अंदर न्यू हेयर स्टाइल वगैरह आएगा, ठीक है, अपना पर्पल शेड का कॉपी, तो इसके आसपास में ही गुड़ की स्किन का इवेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, काफी टाइम पहले भाई गरना फ्री फायर ने अपने रॉक FF के साथ कोलैबोरेशन किया था। इस कोलैबोरेशन के अंदर रॉक FF के थीम पे भाई एक मस्त सा बंडल डिजाइन किया गया था, ठीक है, ये वाला, जो कि आप सभी को याद होगा। ये जो भाई बंडल है, ये काफी टाइम से अपने इंडियन सर्वर के अंदर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और गाइस आज से 3-4 महीने पहले, ठीक है, बाहर के एक सर्वर के अंदर गर्ना ने इसे रिंग इवेंट में दिया था। जब गाइस गर्ना ने रॉक FF के बंडल को बाहर के सर्वर के अंदर दिया था, ठीक है गाइस, तब से लेके अब तक भाई, ठीक है भाई, 1.5-2 महीने हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी सर्वर के अंदर ये नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी सर्वर के अंदर आ चुका है, ठीक है, नहीं भाई, बहुत ही कम सर्वर के अंदर, आई थिंक मेरे ख्याल से भाई, ठीक है, 2-3 सर्वर के अंदर गर्ना ने इस बंडल को दिया है। देखो, अगर आप लोग इस बंडल का आने का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इंतजार थोड़ा सा करना पड़ सकता है, लेकिन आएगा ये बात पक्की है, क्योंकि भाई गर्ना ने डिजाइन किया है, तो गरना तो इसका इवेंट तो लाके देगा ही। और हाँ गाइस, इसको लेकर भाई कंफर्म अपडेट मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि भाई अब तो इसका कोई अपडेट मिल ही नहीं रहा है। बंडल देखने को मिलेगा इंडियन सर्वर के अंदर गाइस, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन कब देखने को मिलेगा इसके रिगार्डिंग अपडेट कोई नहीं है, ठीक है, और ना ही भाई डाटा माइनर कुछ बता रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर काफी सारे लोग इसके रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो मैंने इसकी अपडेट दे दी। बाकी अगर फ्यूचर में कोई इसके रिगार्डिंग न्यू अपडेट मिल जाती है, तो मैं आप सभी को बता दूंगा। और हाँ गाइस, इसका इवेंट रिंग इवेंट
इवेंट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सर्वर के अंदर जब भी ये आया है वहाँ पे रिंग इवेंट के अंदर ही आया है और अपने इंडियन सर्वर के अंदर रिंग इवेंट ही चलते हैं। बाकी चलिएगा इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो आपको याद होगा भाई रमजान इवेंट की M187 की स्किन, आज से गैस बहुत टाइम पहले रमजान इवेंट के टाइम गैस ये अपने कोठी के M187 की स्किन देखने को मिली थी, जो की भाई पहली बार इसे गरन ने टोकन टावर के अंदर दिया था। उस वक्त पे गैस टोकन टावर काफी ज्यादा चलता था, ठीक है, तो भाई नॉर्मल सी बात है कि भाई गरना टोकन टावर में ही उसे दिया था, ठीक है। लेकिन अभी गैस अपने गेम के अंदर रिंग इवेंट काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मुझे गैस यहाँ पे डाटा मिनट की तरफ से थोड़ी बहुत अपडेट मिली है कि रमजान इवेंट का टाइम अपने को गैस ये जो अपने रमजान इवेंट के M187 की स्किन है गरना इसे वापस रिटेल में ला के देने वाला है। 80% गैस चांस रहेगा इसका रिंग इवेंट के अंदर आने का, लेकिन अभी काफी ज्यादा गैस लक रोल भी आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई लक रोल के अंदर भी आ सकती है। अगर गैस आपके पास अच्छी खासी M187 की स्किन नहीं है, ठीक है, तो भाई आप सभी को पता होगा, ठीक है भाई, वो अपनी एलिमेंट वाली भी आने वाली है, ठीक है, और ये आने वाली है और भाई एक न्यू भी आने वाली है। अभी तो गाइस हमें लीक्स के अकॉर्डिंग और डाटा माइनर की तरफ से कुछ अपडेट्स वगैरह मिले हैं, ठीक है, बाकी देखते कि भाई गरना क्या करता है और गरना कब इसका इवेंट वगैरह देता है। बाकी गाइस मुझे रमजान इवेंट के टाइम ये वाली M187 की स्किन का इवेंट आएगा ऐसे अपडेट मेरे को मिलकर रखी थी, तो मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी जैसे इसके रिगार्डिंग इवेंट वगैरह कन्फर्म होता है मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बता दूंगा। वीडियो के अंदर गाइस आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे को सबसे पहले कमेंट के अंदर बताओ कि जब भी आप लोग फ्री फायर खेलते हो, ठीक है, और भाई बीच में किसी का कॉल आ जाए तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ पूछ कर दो, क्योंकि अगर अगर ये क्या बोलते हैं इनको, मैं गाली देना नहीं चाहता। देखो यार मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं गेम खेलता हूँ और भाई अगर बीच में किसी का कॉल आ जाए भाई मेरा दिमाग का मैया का सैया हो जाता है भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। आपका भी गाइस मेरी तरह कुछ सीन है तो कमेंट के अंदर बता देना। बाकी चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। पर्पल शेड बंडल कब आएगा ये सभी का क्वेश्चन है और मुझे पता है कि भाई काफी सारे यूट्यूबर्स ने, ठीक है भाई, इसकी अपडेट देना बंद कर दिया होगा। उन लोगों ने अपडेट देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि भाई वो तो बोल रहे थे कि कन्फर्म आएगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा जब भी मैंने पर्पल शेड बंडल को लेकर अपडेट दिया गाइस, ठीक है, मैंने आपको पॉसिबल ही बोला है। मेरे गाइस एक सीन रहता है, ठीक है, अगर कोई इवेंट पॉसिबल है तो पॉसिबल, कन्फर्म है तो कन्फर्म, अगर नहीं आने वाला तो भाई साफ मना कर देता हूँ। खैर गाइस वो सब भाड़ में जाए, अपन लोग बात करते हैं कि पर्पल शेड बंडल कब आएगा। तो देखो गाइस लास्ट टाइम विंटरलैंड इवेंट के टाइम पाकिस्तान सर्वर के अंदर गरना ने इसे फेडल विल में दिया था और बाहर के कुछ सर्वर के अंदर भाई गरना ने इसे रिंग इवेंट के अंदर दिया था, ठीक है, उस टाइम पे चांस निकल के आ रहा था कि इंडियन सर्वर के अंदर भी आ जाएगा, लेकिन विंटरलैंड इवेंट पे चला गया, ठीक है भाई, वो भी 43 अपडेट भी चला गया, मिला कुछ नहीं, ठीक है, बाबा जी का थुल्लू। देखो गाइस आने वाले वक्त के अंदर भी और भी काफी बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके अंदर गरना लाके दे सकता है, जैसे कि होली इवेंट, रमजान इवेंट, ठीक है, समर इवेंट, और पर्पल शेड बंडल का जो हेयर स्टाइल है उसका कॉपी टू कॉपी हेयर स्टाइल आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि गरना उस इवेंट के आसपास भी दे दे। मेरे ख्याल से गाइस आपको रमजान इवेंट या फिर गाइस होली इवेंट आने का वेट करना चाहिए, क्या पता भाई गरना उसके अंदर इस इवेंट को दे दे, ठीक है। बाकी अभी कोई कंफर्म अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं है। अगर गाइस फिर भी मेरे को कोई भी न्यू अपडेट्स इसके रिगार्डिंग मिलती है, ठीक है, थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटीज इसके रिगार्डिंग बनती है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। वीडियो के अंदर गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोग अपने वैलेंटाइन डे विश इवेंट के बारे में। देखो गाइस अगर आप में से कोई भी वैलेंटाइन विश इवेंट आने का वेट कर रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, अपने गेम के अंदर वैलेंटाइन विश इवेंट आने का कोई चांस बन नहीं रहा है। आपको पता होगा भाई गरना ने विश टाइप के इवेंट जो थे वो उसे देना बंद कर दिया है। विश इवेंट के जगह पे गाइस अपने को कुछ इस टाइप का लक रोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर वैलेंटाइन इवेंट के जो रिवॉर्ड्स है वो देखने को मिलेंगे। वैलेंटाइन के थीम पे गाइस दो डुओ इमोट है, ठीक है, जिनमें से एक डुओ इमोट का आने का चांस भाई इमोट पार्टी इवेंट के अंदर है, ठीक है, बाकी इमोट पार्टी इवेंट कन्फर्म होता है तो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे गाइस ये भी अपडेट है कि इस लक रोल के अंदर आपको रोज इमोट नहीं तो गाइस आप सभी को हार्ट वाला इमोट इस लक रोल के अंदर देखने को मिलने वाला है। बिकॉज आप सभी को कन्फर्म कहता हूँ, ठीक है भाई, 11 फरवरी का वेट करिए भाई, फिर देखो भाई वैलेंटाइन के आपको कैसे खतरनाक इवेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दुख दर्द और भाई पीड़ा की बात यही होगी कि वो सारे डायमंड वाले इवेंट हो गए, ठीक है भाई, नोट ऑफ प्लेयर के लिए ये इवेंट किसी काम के नहीं रह गए। बाकी चलिएगा इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है नेक्स्ट इवो वोल्ट इवेंट को लेकर। तो मेरे भाई जैसा कि आप
सभी को पता होगा इस वर्ल्ड इवेंट के अंदर अभी जो अपने गेम में आया है ठीक है उसके अंदर कुछ अच्छी इवो गन नहीं है क्योंकि मैक्सिमम सभी लोग तो भाई अपने इवोस का या फिर अपने कोबरा MP40 का आने का वेट कर रहे हैं। छोड़ो गाइस जो होना तो हो गया ठीक है भाई। अगर बात करें नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट के तो भाई वापस से दुख और दर्द और पीड़ा की बात होने वाली है। जो गाइस इवोस कार आने का वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है क्योंकि भाई नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर आपको इवोस कार देखने को मिलेगी और कोबरा MP40 लवर के लिए बैड न्यूज है क्योंकि भाई इसका कोई चांस बनकर नहीं आ रहा है। अभी तो गाइस मैं आपको लीक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर आपको इवोस कार देखने को मिलेगी ठीक है, लेकिन आप लोग ऑफिशियली पोस्टर आने का वेट करिएगा, क्या पता भाई गरना कोबरा MP40 दे दे। आइए गाइस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है गाइस अपनी न्यू केवल्स के स्पेशल एक मस्त से फ्री के रिवॉर्ड्स की। आने वाले गाइस 6 जनवरी को आपको कुछ छोटे मोटे मिशन को कम्प्लीट करने के बदले में ठीक है भाई कुछ डैमेज को देने के बदले में आप सभी को एक मस्त सी फ्री में साइथा की स्किन मिलने वाली है। साइथा की स्किन को गाइस आप लोग देख सकते हो ठीक है काफी मस्त सी है ठीक है। तो भाई 6 फरवरी को जो भी आपको मिशन वगैरह मिलते हैं उसे कम्प्लीट करके इसे ले लेना, काफी अच्छी खासी साइथा की स्किन है। बाकी सॉरी गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है इसलिए मैं कमेंट को पिक नहीं कर पाया, लेकिन अगर इवेंट को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पिक जरूर करूंगा। लेकिन तब तक के लिए गाइस नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप इवेंट 100% कंफर्म हो चुका है, कब आएगा क्या रहेगा इसके अंदर रिवॉर्ड्स आपको जानना है लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और भी अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।